हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल सर मारी क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी इस हैंड वॉच के अंदर जो है अपनी खुद की फ़ोटो को इंसर्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी है। बिकॉज आई कैन मेक इट सो यू कैन आल्सो मेक इट, सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जो फ़ोटो आप अपनी घड़ी में इंसर्ट करना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस फ़ोटो को आपको प्रिंट करना होगा और फ़ोटो का साइज़ आपको रखना है 1.5 × 1.5 इंच। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये दो फ़ोटो अपनी प्रिंट कर ली है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप किसी शॉप पर जाकर भी अपनी फ़ोटो प्रिंट करा सकते हैं। तो अब मैं इन फ़ोटो को काट के अलग निकाल लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी फ़ोटो प्रिंट कर ली है। इसके बाद मैं अपनी वॉच को भी खोल लेता हूँ। तो इसे खोलने के बाद इनकी जो कांटे हैं इस वॉच के, इन्हें भी निकाल के अलग कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी घड़ी के सुई है या जिसे कांटे भी हम बोलते हैं, वो निकाल दिए हैं मैंने। इसके बाद हम अपनी घड़ी के साइज का फ़ोटो को काटेंगे। इसके लिए मैं घड़ी का निशान इस फोटो पर लगा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी घड़ी का निशान हमारी फ़ोटो पे आ चुका है। तो अब हम इसे घड़ी के साइज का काट लेंगे। तो इसे काटने के बाद आपको इस फोटो के बिल्कुल बीचों बीच एक छेद करना होगा और इसके बाद हम इसे अपनी घड़ी पर चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी फोटो अपनी वॉच के ऊपर भी चिपका दी है। तो इस तरीके से हमें अपनी फ़ोटो को अपनी वॉच के ऊपर चिपका देना है। आपको ये एक बात का याद रखना होगा कि फ़ोटो का कागज़ ज़्यादा मोटा ना हो। तो आप देख सकते हैं, हमारी घड़ी भी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो इसे मैं चला के भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसके बाद हम अपनी घड़ी को अपने घड़ी के फ्रेम में भी इंसर्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी घड़ी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है, जिसे हमने घर पे ही बनाया है।